क्या वे सनी, बहुत परेशान लग रहा है। धंधे के बारे में सिकंदर भाई को पता लग गया है। अबे क्या बात कर रहा है, अब लगता है साली का रिश्ता नहीं करेंगे। अबे क्यों नहीं करेंगे, सिकंदर भाई भी अपनी फील्ड के आदमी है। आखिर मेरा नाम भी हेलमेट है, हेलमेट। ऐसी क्या बात है, सिकंदर भाई से बात करेंगे। हाँ अबे सिकंदर भाई आ गए। हाँ भाई, जी भाई। हाँ तो क्या कह रहे थे भाई? अपना ही बच्चा है, कमाऊ बच्चा है, आपकी साली से प्यार करता है, शादी करना चाहता है ये। साली को खुश रखेगा, गैंग में हो गया है, पैसे कमाएगा। अबे नया नया है ये, एक गोली लगी ना साले की बर्बादी भी हो जाएगी। तुझे मैंने बोला था कि अपने बाप के काम में हाथ बटाओ, और तुम गलत काम करके अपने पैरों पे खड़े होना चाहते। सिकंदर भाई शॉर्टकट यही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। शॉर्टकट ढूंढोगे तो शॉर्टकट रास्ते के जरिए अपने मालिक की हकीकी से जा मिलोगे, समझे? तुझे तो मालूम है, आखिर मेरा नाम भी हेलमेट है, हेलमेट। तो आप भी तो इस लाइन में हो, अपने बाप के कारोबार को संभालो, अपने पैरों पे खड़े हो, और सुन रहे हो हेलमेट जी। अगर तूने इसको अब उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो तेरे खरबूजे पे वो गोलियां मारूंगा जिसका रस तेरे नीचे तक जाएगा, समझे? जी भाई। कह रहा हूं ना, समझ जा टिंडे। जी भाई। जाओ मेहनत करो जाके। हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं, लोग शिकायतें लेकर आ रहे हैं। मैं लोगों की शिकायत को देखूं या अपने लोगों को देखूं जो बजाय काम आने के भत्ताखोरी में लगे हुए हैं और एक दूसरे का हक मार रहे हैं। ये दूसरे आपस में जब लड़ेंगे तो हालात कैसे होंगे? हालात खराब हो रहे हैं, एक क्षण सर पे खड़ा है। मैंने सारे गैंग को बुलाकर मीटिंग कर ली है खान भाई, आप फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द पूरे इलाके में अमन हो जाएगा। डोंट वरी, मैं आपसे वादा करता हूँ। अरे बच्चा, तुम यहाँ क्या लेने आया है? मैं गैंग में शामिल होने आया हूँ। गैंग में शामिल होने आया? अरे तू तो मेरे इलाके का सबसे अच्छा बच्चा है। ग्रेजुएशन किया, आला तालीम हासिल की, घर में खाने को नहीं है, बहनों की शादी करनी है, डिग्रियां लेके दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कोई जॉब नहीं। क्या करूं, अपने आप को मार लूं? नहीं नहीं, अभी वो वक्त नहीं है कि तुम अपने आप को मारो, खुदकुशी करो। तुझे मना नहीं है? तुम यहाँ पर आओ, उठो बैठो, हालात से लड़ना सीखो, कोशिश करो कि जिस दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं उस दलदल से बचो। तुम्हारे घर का राशन भी पूरा होगा और तुम्हारी बहनों की शादियां भी होंगी। टेंशन ना लो, और गैंग में शामिल होने की जरूरत नहीं है, यार मात्र उठाना मेरे दोस्त, क्योंकि इस दलदल में जो एक बार फंस जाता है ना, आ तो सकता है लेकिन वापस जा नहीं सकता। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहना, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। जाओ आप जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। बैठने का नहीं कहेंगे? तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच जी सर। मैं आपके पास एक जरूरी काम से आई।
आपका बहुत नाम सुना है। आपकी ज्यादा नाराजगी है, उसमें नजर है और लोगों का मुझ पे एतमाद है। मेरे पास एक काम आया है, करोड़ों रुपए का काम है। एक खेप आई हुई है आइस की। आइस की खेप? उस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसे क्लियर करवाना है। यह आपकी जरा नवाजी के मुझ पे एतमाद है, काम हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? बस ये समझो कि फायदा ही फायदा है। बेईमानी वाला काम, लेकिन इसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। भरोसा होना चाहिए एक दूसरे इंसान। आप फिक्र ही ना करें, सारा काम बहुत ईमानदारी से होगा। वो क्या कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है। बॉस, बॉस सनी को छुड़वा दे आप प्लीज। तेरे को शर्म नहीं आती? मेरे सनी को पुलिस पकड़ के ले गई है। परेशान मत, रो क्यों रही है पगली? मैंने कोई गैंग नहीं किया तो बॉस, हम तो आपके ताबेदार हैं बॉस। जब तक मैं हूँ तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो मारा क्या कह रहे हैं आप? पुलिस का ऑपरेशन हो रहा है, हमें मुआवजा देने की जरूरत है और उसका कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा उसको। लेकिन वो नशियात क्यों फैल रहा था? मैं मना कर रहा था उसको, बाज नहीं आया। हम आपके ताबेदार हैं। खैर तू फिक्र मत कर, और तू क्यों परेशान है? मैंने कितनी बार समझाया था, अभी मैंने मीटिंग की थी, सबको बुलाया था, सबको मैं समझा रहा था कि पुलिस एक्शन शुरू होने वाला है, अपने आप को बिल्कुल मोहतात कर लो, सारे धंधे खत्म कर दो। लेकिन मेरे सामने इल्जामात लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे ये लोग। क्या इस तरह नहीं होगा? इस तरह ही होगा, जो अगर मेरी बात नहीं मारोगे तो ऐसे ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हारी इस हार का भी इसमें लाज नहीं रखा कि कम से कम गंदे काम मेरे कहने से छोड़ देता तो तुम्हारे साथ रहता वो। अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? उस वक्त मेरी बात को किसी ने तवज्जो से सुना ही नहीं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि देखो ऑपरेशन शुरू होने वाला है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए रोएगी, परेशान होगी, फिर क्या होगा? लेकिन किसी ने मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुना। अब एक्शन शुरू हो गया है। जब एक्शन शुरू हो गया है ना, तो फिर नहीं, मैं कितना समझाऊंगा अपने दोस्त को? मैं अपने मुल्क के लिए नुकसान नहीं सोचता, ना अपने आवाम के लिए नुकसान सोचता हूँ। आवाम की भलाई चाहता हूँ। देख, ये भी किसी को याद कर रही है, इसका भी कोई है? वो उसने क्यों ऐसा काम किया? मैं जब मना कर रहा हूँ कि फिलहाल अपने आप को रुपोश कर लो, अगर वो लोग काले धंधे फिलहाल मेरे कहने से छोड़ देते, लोगों की खिदमत करते, लोगों के काम आते, अपने सारे काम मिटा के उन लोगों की खिदमत करते, तो ये नौबत नहीं आती, बल्कि मेरे साथ यहाँ बैठ कर हंस रहे होते कि वाह अली जान वाह। क्या बात है कालिया, तो बहुत परेशान नजर आ रहा है। हाँ बताओ मुझे क्या बात है? जब मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपने बुलाया था तो मैं आपके पास आ गया। चुप क्यों हो? बोलो इस तरह मेरी तरह, खामोश नहीं रहो, बात को समझो मेरी यार। हाँ बोलो क्या बात है, क्यों परेशान हो? काले धंधे तो छोड़ दिए ना तुमने? जब तुम काला धंधा नहीं कर रहे हो तो परेशान क्यों हो तुम? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी बात को तवज्जो से दिया करो, और जब तवज्जो दोगे ना तो तुम्हें फायदे में रहोगे। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को थोड़ा आवाम की तरफ लेकर आओ, आवाम की खिदमत की तरफ लेकर आओ, तो यही लोग तुम्हारे कल तारीफ करेंगे, तुम्हें जेल से छुड़वाएंगे, तुम्हारे हक में बोलेंगे। अगर तुम थोड़ा समझो यार, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। बोलो क्या हुआ, बताओ ना क्या बात हो गई? क्यों चुप हो, क्यों खामोश हो तुम यार? बोलो कुछ तो बोलो। खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, सब साफ हो जाएगा,
उन लोगों का सफाया होगा जो गंदे हैं। तुमने अगर अपने आप को बचा लिया तो तुम्हें कोई हाथ नहीं डालेगा। मेरी बात समझना, ये सिगरेट है ना, सिगरेट ये पूरे वजूद को जलाकर राख कर देती है, और इस तरह काला धन काले धंधे वो इंसान को खत्म कर देते हैं, जिल्लत और परेशानी में ले आते हैं, और जब वो एक्शन में आ जाता है तो उसका हशर बुरे से बुरा हो जाता है। मेरी बात क्यों नहीं समझते यार, मैं क्यों समझाता हूं? अरे काफी लोग उठ गए, मैं कुछ नहीं होगा तुझे, बस कुछ दिनों के लिए हंसी खुशी रूपोश हो जा, छुप जा, नजर मत आ, जब नजर नहीं आएगा ना तो तेरे खिलाफ एक्शन नहीं होगा। सारे धंधे फिलहाल छोड़ के तू कहीं जाकर छुप जा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, सब।